आपके एग्जाम में आता ही है। लाइन ग्राफ होता क्या है आप लोग को पता होगा, ठीक है। देखिए बेसिकली ऐसे ग्राफ होगा, एक लाइन के माध्यम से कोई डेटा बताया गया होगा, कुछ डेटा यहाँ पे दिया होगा, कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है। आपको देखना है कि ये किसके सामने आ रहा है एंड वो उस डेटा की वैल्यू हो जाएगी, जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अभी हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन है उसमें, वो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन की खास बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना आ गया, सीखना आ गया, कुछ डेटा निकाल लिया, तो 5 क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एंड आज की जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन देखेंगे अभी, तो उससे रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिस बुक है, यानी बेसिकली आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, एक पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाइए, goldencareer.co.in पर क्लिक करिए, स्टडी मटेरियल पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे ढेर सारे ऐड में से किन्हीं एक ऐड पर जरूर क्लिक करिएगा एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइन ग्राफ DIE प्रैक्टिस बुक। तो प्रैक्टिस बुक तो आपको पता है गोल्डन करियर प्रोवाइड करती ही है, क्योंकि भाई पढ़ा तो दिया, प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, खरीदना है नहीं, खरीद ही लिया फिर क्या फायदा है बुक ना, फिर तो फ्री देने कोई फायदा ही नहीं है, कहीं से खरीदनी पड़ जाए। चलिए ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि टोटल स्टूडेंट रजिस्टर कितने किए और टोटल स्टूडेंट अपियर कितने हुए। देखिए रेड वाली जो मरून वाली लाइन है ये बता रही है कि कितने स्टूडेंट अपियर हुए, और ब्लू वाली लाइन ये बता रही है कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया खुद को। तो यहाँ पर नंबर भी दिए हुए हैं, वैसे यहाँ पर मार्किंग भी की हुई है, उससे हमें पता चल जाएगा। अब नीचे दिया हुआ क्यों, ये है RBI ग्रेड बी का, ये है RRB PO का, और ये है SBI PO का डेटा, ये है RRB असिस्टेंट का डेटा, और ये है SBI क्लर्क का डेटा। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर आपके लिए ये है, जब आप DIE के क्वेश्चन एग्जाम में करिएगा तो जो डेटा लिखिएगा ना, थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते हैं, मे बी पहले क्वेश्चन में कुछ डेटा आपने पहले निकाल रखा हो वो दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाए, तो डेटा निकालने में टाइम मत वेस्ट करिएगा, इसीलिए साफ सुथरा करिएगा ताकि आपको जो है पता चल जाए कि लास्ट क्वेश्चन में किस चीज का क्या आंसर आया था। क्वेश्चन ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपियर इन RBI ग्रेड बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो RBI ग्रेड बी एग्जाम में अपियर नहीं हुए, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपियर इन SBI PO एग्जाम। बेसिकली इसमें ये बताना है कि भाई RBI ग्रेड बी में जो नहीं अपियर हुए और SBI PO में जो नहीं अपियर हुए, वो डेटा हमें निकालना है, और RBI ग्रेड बी वो कितना परसेंट था ये हमें बताना है SBI PO का। चलिए ये है RBI ग्रेड बी, टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कितने हुए, 8,640, यहाँ पर लिखता हूँ मैं RBI, ठीक है, 8,640 टोटल रजिस्ट्रेशन हुए, इसमें से अपियर कितने हुए 8,208। तो देखिए 640 घटाइए कैसे, 640 में से 200 गए 440 और 8 और गए 432, आ गया 432। अब हम देखते हैं SBI PO का, SBI PO का आपका आ जाएगा, SBI में यहाँ पर लिख देता हूँ 12,420 टोटल रजिस्टर हुए, कितनों ने एग्जाम दिया, 111,78 ने एग्जाम दिया, 111,78 ने एग्जाम दिया। अभी यहां पर नंबर देखिए बहुत ज्यादा है, 10 में से 8 गए कितना बचेगा 2, 11 में से 7 गए कितना बचेगा 4, 7 4 11, और ये आ गया आपका 2 और 1 1242, ठीक है। तो RBI ग्रेड बी में एग्जाम कितनों ने नहीं दिया, 432 ने नहीं दिया, SBI में कितनों ने नहीं दिया, 1242 में नहीं दिया, लेकिन हमें ये बताना है परसेंटेज में, तो 432 को डिवाइड कर देंगे हम 1242 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका यहाँ पर परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये 3 बार जा रहा है, यानी थर्टीज में ये आंसर आएगा, तो ऑप्शन देखिएगा, अगर ऑप्शन में थर्टीज में एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आप इसी को मार्क कर दीजिएगा, अगर मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं 3 थर्टीज में ही, थर्टीज की रेंज में, तो फिर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे ये अप्रॉक्स 35% आएगा एंड एग्जैक्ट की बात करें तो 34.78% इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से लाइन ग्राफ को रीड करते हैं एंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया ना, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि जैसे ये पीडीएफ जो है आज सुबह ही अपलोड हो गई थी 6 बजे, मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया सबको कि भाई पीडीएफ अपलोड हो गई है, लाइन ग्राफ की प्रैक्टिस करना है, आप लोग डाउनलोड कर लो, तो वहां से आपको इंस्टेंटली मैसेज मिल जाता है, कोई फर्जी मैसेज नहीं किए जाते हैं, हार्डली दिन में 1 मैसेज 2 मैसेज आते हैं, ठीक है, एंड कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी वहां पर। चलिए यहाँ पर, अच्छा पिछले क्वेश्चन में जो ये हम कर रहे थे,
एक चीज गड़बड़ हो गई स्लाइड, मैंने लास्ट जो स्लाइड बनाई थी उसी पे ओवरराइट किया है, तो ये क्वेश्चन पुरानी है, डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था, इसे नेक्स्ट स्लाइड में भी देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन इग्नोर करना है, एक्चुअली वो स्लाइड बनाते समय गड़बड़ी हो गई। क्वेश्चन आपका ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द गिवन फाइव एग्जाम हैड नॉट अपियर इन द एग्जाम। अब इसमें ये पूछ रहा है भाई कितने जो है अपियर नहीं किए एग्जाम में, तो देखिए मैंने क्या कहा था, आप डेटा साफ लिखिएगा, पिछले भी मैंने निकाल लिया है ना हम लोगों ने, कि आरबीआई में 432 और एसबीआई में 1242 अपियर नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट में हम फटाक से लिख देंगे 432 और 1242, ठीक है, तो ये हमारा आरबीआई हो गया और ये हमारा एसबीआई हो गया, ये दो निकल गए। अब हम देखते हैं आरआरबी पीओ में कितने अपियर नहीं हुए, तो 9600, आरआरबी पीओ के लिए क्या होगा, 9600 में हम 8352 घटा देंगे, 8 आ गया और 4 आ गया, 2 1 आ गया, 1248 आ गया, यहाँ पर 1200 हम 48 लिख लेंगे, ठीक है, 9 से 5 गए 4 बचा एंड 5 से 3 गए 2 बचा, ठीक है। अभी हम ये भी हो गया, आरबी असिस्टेंट का फटाक से लिखेंगे 7250 और यहाँ पर हम कर लेंगे 5510, में गया 005 में गया 4 और 12 में से 5 गए कितना बचा 7 और 6 में से 5 गए 1, 1740, 1740 हो गया, ये भी कट गया आपका। एसबीआई क्लर्क में क्या है 8400 एंड 7644, देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे 356 बच रहा है, ठीक है, अगर हम इसको 8000 तक ले जाएं, पास 400 है तो 4 3 700, 756 हो गया, तो ये आपके तीनों आ गए, फटाफट इनको ऐड कर देना है और इनको हम फटाफट ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 5418। अभी देखिए कितने स्टूडेंट्स किस में अपियर नहीं किए हुए हैं, ये आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, इसको आप साफ साफ लिखिएगा अपनी शीट पे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पर कोई डेटा निकले, क्योंकि मे भी आगे कोई क्वेश्चंस में काम आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपका अगेन ये हटाइए ऊपर का, ठीक है, क्वेश्चन ये है 80% एंड 75% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, 80% और 85% स्टूडेंट कौन से हु अपियर्ड, जो अपियर हुए किसमें, आरआरबी असिस्टेंट एग्जाम में एंड आरआरबी पीओ एग्जाम रिस्पेक्टिवली। तो पहले आप क्या करेंगे, हम 80% निकाल लेंगे किसका, आरआरबी असिस्टेंट का, जो अपियर हुए, अपियर देखिए कितने हुए 5510, ठीक है, तो आरआरबी असिस्टेंट हमने लिखा और फटाफट क्या किया 5% जितना क्वेश्चन पढ़िए फटाक से उतना निकाल लीजिए, 0 0 गया, 0 0 गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके आया 4408, ठीक है, और 75% किसका है, आरआरबी पीओ एग्जाम का, तो चलिए आरआरबी पीओ का हम लिख लेते हैं फटाफट, 75% कहाँ है, आरआरबी पीओ ये हो गया, 75% कितना निकालेंगे हम 8352 का, ठीक है, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 8352 और डिवाइड बाई 100, ठीक है, 25 से कटेंगे ये 4 से कट जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6264, यहाँ पर आपने आरआरबी पीओ, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। आगे पढ़िए, इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर टायर टू फ्रॉम बोथ द एग्जाम्स, ठीक है, जो टायर टू के लिए आपके जो है 25% स्टूडेंट्स जो है अगर क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, दोनों से, हैड क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, मतलब जो यहां से अपियर हुए, ठीक है, अभी क्या हुआ, इनमें से 25% जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए, ठीक है, तो अभी क्या करना है, इनको बताना है कि डिफरेंस आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट का, कि इंटरव्यू में जो पहुंचे हैं उनका डिफरेंस कितना है, तो अब क्या करना है, इन दोनों का 25% निकाल लो और आपस में माइनस कर दो, बस 4408 का हम 25% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, 4 बार गया, इसको हम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4101, 4101 0, 4208 1102 आ गया, ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे 6264 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है, 4101 आपका आ जाएगा एंड 2 4 5 20, ठीक है, एंड 4 6 24 एंड ये आ गया 66, ठीक है, तो आपका आ गया 1566 जो इंटरव्यू में पहुंचे कौन से, आरआरबी पीओ के, और 1102 जो पहुंचे आरआरबी असिस्टेंट के, अभी इनका डिफरेंस बताना है, तो बस आप 1566 में 1502 घटा देंगे, सॉरी 1102 घटा देंगे, आपका आंसर आ गया कितना, आ गया ये आ गया आपका 464, 464, 464 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर विच एग्जाम द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपियर इन द एग्जाम इज सेकेंड लोवेस्ट। अब पूछ रहा है कि भाई किस एग्जाम में जो है
जो स्टूडेंट अपियर नहीं हुए उसका जो है परसेंटेज सेकंड लोवेस्ट था, ठीक है। फॉर व्हिच इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट अपियर इन द एग्जाम इज सेकंड लोवेस्ट। देखिए मैंने कहा था ना, देखिए यहाँ पे हमने निकाला ना कितने अपियर नहीं हुए, हम लोगों ने निकाला था। तो देखिए सेकंड लोवेस्ट की बात की गई है, तो देखिए सबसे कम किस में अपियर नहीं हुए इसमें, और सेकंड लोवेस्ट की बात करें तो 756 वाला है। तो ई देखिए यानी एसबीआई क्लर्क ही जो है यहाँ पर परसेंटेज ऐसा है जो सेकंड लोवेस्ट होगा, ये हम देख के ही बता सकते हैं। अगर डेटा बहुत पास पास होता तो फिर ये हमें सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो ये आप वहीं से देख के गेस कर सकते हैं एंड इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द गिवन 5 एग्जाम हैड बीन कैंसल्ड। कितना? द रजिस्ट्रेशन ऑफ 4/55, यानी जितने रजिस्टर हुए उसमें 4/55, 4/55 जो है टोटल नंबर का कैंसिल कर दिया गया। अब पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड, कितनों का कैंसिल किया गया। तो कुछ नहीं करना है इसमें, फटाफट आपको जोड़ लेने टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए। रजिस्ट्रेशन क्या है? ब्लू वाली लाइन है, जोड़ लीजिए 8640, 9600, 12420, 7250 और 8400। इनको हम ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 46,310, ठीक है। अभी इसका क्या करना है, 46,310 का आपको 4/55 निकाल लेना है और ये सॉल्व करने में 3368 आएगा, मतलब 3368 एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल किए गए। कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। वीडियो छोटी से छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है लाइन ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं एंड लाइन ग्राफ के क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। फिलहाल आप वेबसाइट पे जाइए गोल्डन करियर की, लाइन ग्राफ की प्रैक्टिस बुक डाउनलोड करिए एंड क्लिक करिए एकेडमी पे हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।